हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीएस राठौर। मैं इस वीडियो लेक्चर में कंटीन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी पे बेस्ड थ्योरम बताने वाला हूं। इसके पहले कंटीन्यूअस फंक्शन कैसे चेक करते हैं और कंटीन्यूअस फंक्शन पे बेस्ड और भी थ्योरम का वीडियो लेक्चर मैं पहले भी डाल चुका हूं, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम कंटीन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। आप लोग इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए, तभी आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा। बीच में छोड़ने से फिर से देखना पड़ेगा और समझने में दिक्कत होती है, इसलिए एक सिटिंग में ही इस वीडियो लेक्चर को देखिए। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में और भी मैं वीडियो लेक्चर लेके आ चुका हूं, आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। हम यहां पर सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। कंटिन्यूस फंक्शन का जो डेफिनेशन है, कॉसी डेफिनेशन, हाइने डेफिनेशन, इन सब डेफिनेशन का वीडियो लेक्चर पहले आ चुका है। तो आइए हम प्रॉपर्टी के बारे में ही स्टडी करें। तो प्रॉपर्टी स्टडी करने के पहले और कुछ डेफिनेशन हमें यहां देखना होगा। पहले देखते हैं बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। तो बाउंडेड फंक्शन क्या होता है? इफ एक फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर में, इफ एक फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर में, ये बाउंडेड फंक्शन कहलाता है। कब कहलाता है? यदि ऐसे दो रियल नंबर्स हों, ऐसे दो रियल नंबर एग्जिस्ट करते हों, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स स्मॉल एम एंड कैपिटल एम सच दैट स्मॉल एम इज लेस देन आर इक्वल एफ एक्स लेस देन आर इक्वल कैपिटल एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इस इंटरवेल के किसी भी पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू लें तो इसके बीच में आएगा, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन बाउंडेड है। यानी इस इंटरवेल का कोई भी पॉइंट रखें, वो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में आएगा, तब हम फंक्शन को बाउंडेड बोलते हैं। और एम जो है इस फंक्शन का लोअर बाउंड कहलाएगा इस इंटरवेल के लिए, और कैपिटल एम इस फंक्शन का अपर बाउंड कहलाता है। और जब किसी फंक्शन का लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उस फंक्शन को बाउंडेड बिलो फंक्शन बोलते हैं, और किसी फंक्शन का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसको बाउंडेड अबो फंक्शन बोलते हैं। और जो बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबो दोनों होता है, मतलब जिसका लोअर और अपर बाउंड दोनों होता है, उस फंक्शन को बाउंडेड फंक्शन कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन। हम इस डेफिनेशन को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन ए बाउंडेड फंक्शन कब कहलाता है? इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर के सच दैट, अगर एक कोई पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करे कि मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन आर इक्वल के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन आर इक्वल के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू का मॉड इस पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा हो, तब हम बोलेंगे कि एफ बाउंडेड है। तो बाउंडेड का ये दो डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं सुप्रीमम फंक्शन का, सुप्रीमम क्या होता है, इसको हम लिस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं। तो इफ एक फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर, तो ये एक रियल नंबर कैपिटल एम, एक रियल नंबर कैपिटल एम इस फंक्शन एफ का सुप्रीमम कहलाता है यदि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सुप्रीमम मतलब लिस्ट अपर बाउंड, मतलब सबसे छोटा अपर बाउंड। तो सबसे पहले ये लिस्ट अपर बाउंड कब होगा? पहला कंडीशन तो ये अपर बाउंड ही होना चाहिए। तो अपर बाउंड मतलब एम जो है फंक्शन के सारे वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, मतलब इस इंटरवेल में
जितने पॉइंट्स हैं सब पर फंक्शन की वैल्यू निकालें तो उससे एम बड़ा ही होना चाहिए उन सारे फंक्शन की वैल्यू से, तो एम अपर बाउंड हो गया। क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड बोल रहे हैं, यानी अपर बाउंड जितने, अब किसी भी फंक्शन का एक ही अपर बाउंड हो ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे अपर बाउंड्स हो सकते हैं, तो जितने अपर बाउंड्स हैं उसमें जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा उसे ही हम लिस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। तो एम लिस्ट अपर बाउंड कब कहलाएगा, उसका पहला कंडीशन क्या है, वो अपर बाउंड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि इच एप्सिलॉन ग्रेटर, फॉर इच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट, मतलब एम क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है, सुप्रीमम मतलब लिस्ट अपर, लिस्ट अपर बाउंड मतलब जस्ट अपर बाउंड बना है, मतलब इस फंक्शन के सारे वैल्यू से जस्ट बड़ा है, यानी इसमें कोई एक छोटा सा पॉजिटिव रियल नंबर भी माइनस कर दें, जस्ट बड़ा है मतलब इसमें एक छोटा सा पॉजिटिव रियल नंबर भी माइनस कर दें तो इस इंटरवेल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे जो फंक्शन की वैल्यू है उससे छोटा होगा। ऐसे तो एम अपर बाउंड था लेकिन लिस्ट है, मतलब जैसे ही हम एक छोटा सा पॉजिटिव रियल नंबर माइनस किए फंक्शन के एटलीस्ट एक वैल्यू से छोटा हो गया, मतलब फंक्शन से जस्ट बड़ा था, और जस्ट बड़ा था इसलिए छोटा सा पॉजिटिव रियल नंबर भी माइनस किए तो फंक्शन के एटलीस्ट एक वैल्यू से छोटा हो गया, तो एम को सुप्रीमम बोलेंगे अगर ऐसा है तो। तो क्लियर हो गया, लिस्ट अपर बाउंड एम होगा, कब होगा, जब वो एफ एक्स यानी इस इंटरवल में फंक्शन की जितनी वैल्यूज हैं सारी वैल्यूज से बड़ी हो, और दूसरा कि इसमें कोई भी छोटा पॉजिटिव रियल नंबर माइनस कर दें तो इस फंक्शन के कम एक वैल्यू से छोटा हो जाए, तो ये सुप्रीमम कहलाता है। इसी प्रकार इन्फिमम, इन्फिमम को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्या होता है, कोई भी रियल नंबर इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी पहला कंडीशन तो लोअर बाउंड होना चाहिए, तो एम जो है एफ का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब कहलाएगा, जब पहला कंडीशन है कि वो लोअर बाउंड हो, लोअर बाउंड हो यानी एफ एक्स की सभी वैल्यू से छोटा हो, इस इंटरवेल में एफ की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबसे छोटा हो, मैंने लोअर बाउंड हो। दूसरा ये जस्ट छोटा है, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी जितने भी लोअर बाउंड हैं किसी फंक्शन का एक ही लोअर बाउंड हो ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोअर बाउंड्स हो सकते हैं, तो जितने भी लोअर बाउंड्स होंगे उनमें जो सबसे बड़ा होगा उसी को ग्रेटेस्ट, तो ये सबसे बड़ा है, मतलब एफ एम में जैसी एक पॉजिटिव रियल नंबर प्लस करेंगे, अभी एम क्या है फंक्शन के सारी वैल्यू से छोटा है लेकिन जैसी हम इसमें एक पॉजिटिव रियल नंबर ऐड करेंगे वो इस फंक्शन के कम एक वैल्यू से बड़ा हो जाएगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड माने सबसे बड़ा लोअर बाउंड, यानी जस्ट इससे छोटा है, जस्ट इससे छोटा है यानी एक पॉजिटिव रियल नंबर इसमें प्लस कर दें तो इसके कम से कम एक एलिमेंट से बड़ा हो जाए, तो ये कहलाता है इन्फिमम। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसको, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी चलिए समझते हैं, एक सेट के माध्यम से, फंक्शन के थ्रू ना होके सेट के माध्यम से, जैसे ये 2 और 5, ये क्या है, एक ओपन इंटरवेल, इस ओपन इंटरवेल का इन्फिमम वैल्यू क्या है 2, इसका इन्फिमम वैल्यू क्या है 2, अगर इस इन्फिमम वैल्यू में कोई नंबर प्लस कर दें, छोटा सा नंबर पॉइंट वन ये ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 2.01। अब 2.01 इसके कम से कम एक वैल्यू से बड़ा होगा, कौन से एक वैल्यू से बड़ा होगा, 2.001 से ये बड़ा होगा, मतलब ऐसे 2 इसका इन्फिमम है, मतलब लोअर बाउंड है, और जैसे इसमें हम छोटा सा पॉजिटिव रियल नंबर प्लस कर रहे हैं
तो टू ऐसे इस सेट के सारे एलिमेंट से छोटा है, लेकिन जैसे ही हम इसमें एक छोटा सा पॉजिटिव रियल नंबर 0.1 ऐड कर रहे हैं तो ये 2.01 हो जा रहा है और इस सेट के कम एक एलिमेंट से बड़ा हो जा रहा है 2.001 से। तो क्लियर हो गया, मतलब इन्फिमम में छोटा सा भी पॉजिटिव रियल नंबर ऐड कर दें तो इस सेट के कम एक एलिमेंट से बड़ा हो जाता है, तो यही इन्फिमम होता है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसमें पहला थ्योरम है बोरेल्स थ्योरम। बोरेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इफ एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन द इंटरवल कैन ऑलवेज बी डिवाइडेड इंटू ए फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। क्या बोल रहा है कि एफ अगर किसी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ अगर किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस फंक्शन, ध्यान दीजिए क्लोज्ड इंटरवल में, ओपन नहीं ना, तो एफ क्लोज्ड इंटरवल में अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इस क्लोज्ड इंटरवल को फाइनाइट नंबर आप सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये डिवाइड इस प्रकार होगा कि हम कोई भी एक सब इंटरवल के दो पॉइंट लें, कोई भी एक सब इंटरवल के दो पॉइंट लें, यानी दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए, एक ही सब इंटरवल का होना चाहिए, लें तो उन दोनों पॉइंट पे फंक्शन का जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। मतलब कोई भी एक सब इंटरवल के दो पॉइंट लें तो उन दोनों पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा। क्लियर हो गया। एक बार स्टेटमेंट को फिर से देख लेते हैं कि एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी को एन माने फाइनाइट नंबर आप सब इंटरवल्स में इस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं कि एक ही सब इंटरवल के कोई भी दो पॉइंट लें, एक ही सब इंटरवल के कोई भी दो पॉइंट लें तो उन दोनों पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, यानी डिफरेंस बहुत छोटा होगा। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। अब हम इसको प्रूफ करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। आप लोगों ने 11th क्लास में किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने का मेथड पढ़ा होगा, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, डायरेक्ट मेथड, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। तो हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं अभी, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या करते हैं, जो भी प्रूफ करना रहता है उसका उल्टा लेके चलते हैं, मतलब वो स्टेटमेंट को जो प्रूफ करना है उसको फॉल्स मान के चलते हैं और लास्ट में क्या ले आते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन। तो कॉन्ट्रडिक्शन आता है इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाता है, और अपना एजम्पशन रॉन्ग हुआ मतलब गिवन स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ हो जाता है। तो ये होता है कॉन्ट्रडिक्शन मैथड। तो चलिए जो स्टेटमेंट है पहले फॉल्स मान के चलते हैं। स्टेटमेंट फॉल्स है तो स्टेटमेंट है क्या आपने पास, स्टेटमेंट ये है कि अगर एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है तो उस क्लोज्ड इंटरवल को फाइनाइट नंबर आप सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं इस प्रकार कि किसी एक सब इंटरवल के दो पॉइंट लें तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो स्टेटमेंट फॉल्स है मतलब ऐसे सब इंटरवल्स में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी को दो सब इंटरवल में डिवाइड करें तो कम से कम एक सब इंटरवल, चाहे ए सी हो या सी बी हो, ठीक मिड पॉइंट से डिवाइड किए हैं इसको, सी क्या है ए और बी का मिड पॉइंट है, ए प्लस बी बाई टू, तो कम से कम एक इंटरवल में ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों इंटरवल में स्टेटमेंट ट्रू है बोल दें तब तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ट्रू हो जाएगा, जबकि हम स्टेटमेंट को फॉल्स माने। तो इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स है मतलब इसको दो इंटरवल में डिवाइड करें तो कम से कम एक इंटरवल में ये थ्योरम का स्टेटमेंट
नहीं होगा, ठीक है, मतलब कम से कम एक इंटरवल में ये थ्योरम फॉल्स होगा। तो हम कोई भी इंटरवल ले सकते हैं, तो हम यहाँ एज्यूम कर लिए, सपोज ये जो इंटरवल सी भी है यहाँ पे इस थ्योरम का स्टेटमेंट फॉल्स है, और इस सी बी इंटरवल का नया नाम दे दिए, रीनेम कर दिए ए वन बी वन। ये जो इंटरवल जहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स है इसको हम एक नया नाम रीनेम कर दिए ए वन बी वन। अब हम क्या करते हैं, फिर ए वन बी वन को क्या करेंगे, ठीक मिड पॉइंट से दो सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे। तो फिर क्या होगा, क्योंकि इस ए वन बी वन इंटरवल में स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब दोनों में से कम एक इंटरवल में स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो सपोज वो इंटरवल क्या है, ए टू बी टू, या तो ये ए टू बी टू होगा या दूसरा वाला होगा। तो जिसमें भी स्टेटमेंट फॉल्स है हम उस इंटरवल को नया नाम दे दिए ए टू बी टू। क्लियर हो गया मतलब। और ये ए टू बी टू क्या है, इस ए वन बी वन के अंदर आएगा। मान लीजिए ये ए टू बी टू, ए वन सी वन को हम ए टू बी टू मान लें, तो इस ए वन बी वन के अंदर ही आ रहा है, मतलब उससे छोटा ही आ रहा है, इसका एक छोटा सा पार्ट है, आधा हिस्सा। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ऐसी हम प्रोसेस को कंटिन्यू करें, रिपीट करें, तो पहले इंटरवल से ये इंटरवल हाफ हो गया मिड पॉइंट से, और इस इंटरवल का हाफ ये है, और इस इंटरवल का हाफ इसके बाद आने वाला है। तो ये एक सीक्वेंस मिल गया क्लोज्ड इंटरवल का, कैसा कि इसकी जो लेंथ है, या बोलना चाहिए ये डिक्रीजिंग फॉर्म में इंटरवल्स का सीक्वेंस मिल गया। और इस सीक्वेंस इंटरवल के सीक्वेंस की क्या खासियत है, इसमें कोई भी इंटरवल ले ले, इस सीक्वेंस का कोई भी इंटरवल ले ले, थ्योरम फॉल्स है, मतलब थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करता है। और साथ ही साथ अब इसकी लेंथ निकालें, पहले सब इंटरवल की लेंथ निकालें, बी वन माइनस ए वन, देखिए इस इंटरवल की लेंथ निकालेंगे तो बी वन इसको बोले थे, ए वन इसको, तो बी वन माइनस ए वन यानी बी माइनस ए प्लस बी बाई टू, बी माइनस ए प्लस बी बाई टू। तो क्या आ गया लेंथ पहले सब इंटरवल की, बी माइनस ए बाई टू। अब दूसरे सब इंटरवल की लेंथ निकालेंगे, बी टू माइनस ए टू, तो जैसे पहले सब इंटरवल क्या आया, बी माइनस ए बाई टू, तो दूसरे सब इंटरवल की लेंथ क्या आ जाएगा, बी वन माइनस ए वन बाई टू, और बी थ्री माइनस ए टू क्या आएगा, बी टू माइनस ए टू बाई टू। क्लियर हुआ, तो बी वन माइनस ए वन की क्या वैल्यू आई है, बी माइनस ए बाई टू, तो बी माइनस ए बाई टू इसका, और एक टू पहले से, तो यहाँ टू स्क्वेयर हो गया। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएं, लेंथ निकालते जाएं, तो बी एन माइनस ए एन क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन टू टू द पावर एन, और इसकी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लें तो ये टू टू द पावर इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। अब बी माइनस ए अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो, तो इसकी लेंथ क्या आ गई, जीरो। तो ये क्या है, ऐसा इंटरवल का सिस्टम है जो डिक्रीजिंग है, और इसकी लेंथ जो है जीरो है इन्फिनिटी पे। तो एक थ्योरम लगता है, ऐसा कोई भी सीक्वेंस हो, इसको नेस्टेड सीक्वेंस बोलते हैं, नेस्टेड इंटरवल का सिस्टम होता है, उसके अनुसार अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, दो कंडीशन यानी इसकी लेंथ कंटिन्यू कम होता जाए और इसकी लेंथ इन्फिनिटी पे क्या है, जीरो हो, तब क्या बोलता है स्टेटमेंट, इसके इंटरसेक्शन में जो सीक्वेंस लिए है ना इंटरवल का, ये इन सब के इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली एक एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट हम यहाँ पर क्या मान लिए, अल्फा। ध्यान रखिएगा, अगर इन दो कंडीशन को कोई सीक्वेंस सेटिस्फाई करता है, पहला कंडीशन डिक्रीजिंग, दूसरा कंडीशन इसकी लेंथ इन्फिनिटी लिमिट लेने पे जीरो हो, तब क्या होता है, इन सारे इंटरवल्स के इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली एक एलिमेंट होता है, हम वो एलिमेंट क्या ले लिए यहाँ पर, अल्फा। तो अल्फा इन सारे सब इंटरवल में आ रहा है, मतलब अल्फा इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में भी आएगा, और अल्फा इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में आ रहा है, और इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब अल्फा पर भी कंटिन्यूस होगा, तो एफ क्या होगा, अल्फा पे कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन लगा दें, ये कौन सा डेफिनेशन, कॉसी डेफिनेशन।
क्या होता है? फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एफ अल्फा पे कंटिन्यूस है इसलिए, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस अल्फा लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। क्लियर हुआ? क्योंकि अल्फा जो है क्लोज्ड इंटरवल ए बी का एक एलिमेंट है और इस इंटरवल के हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब अल्फा पर भी कंटिन्यूस होगा। और अल्फा पे कंटिन्यूस है इसका मतलब एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक अल्फा ग्रेटर देन जीरो ऐसा होगा, सॉरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो ऐसा होगा कि मॉड ऑफ एक्स। तो ये कंटिन्यूटी का डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब इस मॉड को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस डेल्टा और सॉरी अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा। ये एक्स किसका मेंबर होगा, अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा का, और एक्स इस इंटरवेल का एलिमेंट है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशन वन हो गया। क्लियर हो गया? अल्फा पे कंटिन्यूस हो गया और अल्फा पे हम कंटिन्यूटी का डेफिनेशन अप्लाई कर दिए। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये जो इंटरवेल का सीक्वेंस है इन्फिनिटी तक चलेगा तो लेंथ जीरो तक, इतना छोटा तक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है कि उसकी लेंथ जीरो तक है, तो इसकी लेंथ कितनी है, टू डेल्टा। इस इंटरवेल की लेंथ टू डेल्टा है, तो टू डेल्टा लेंथ का इंटरवेल है तो इसके अंदर कम से कम एक इस सिस्टम का, इस सीक्वेंस के सिस्टम का कम से कम एक एलिमेंट तो उसके अंदर आएगा, इस अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा के अंदर। क्लियर हुआ? एक बार रिपीट कर देता हूं, हम अल्फा किसका एलिमेंट ले रहे हैं, इस क्लोज्ड इंटरवेल ए बी का एक एलिमेंट है, और अल्फा माइनस डेल्टा ये होगा अल्फा प्लस डेल्टा ये एक ओपन इंटरवेल है, ठीक, और इस ओपन इंटरवेल की लेंथ टू डेल्टा है। क्लियर? और ये जो सीक्वेंस ले रहे हैं इंटरवेल की, उसकी लेंथ जीरो तक है, इतना छोटा है आगे चल के कि जीरो तक लेंथ पॉसिबल है। तो जब इस सीक्वेंस में जीरो लेंथ वाला भी इंटरवेल है तो कम से कम एक इंटरवेल तो मिलेगा ही ना जो इसके अंदर है। जब जीरो लेंथ तक का इंटरवेल पॉसिबल है तो टू डेल्टा से कम लेंथ वाला एक इंटरवेल तो होगा ही, तो हम वो इंटरवेल क्या मान लिए, ए एन बी एन, जो इस ओपन इंटरवेल के अंदर। क्लियर हो गया? उसी चीज को लेके, सिंस इसकी लेंथ जीरो है इसलिए हम एन ऐसा चूज कर सकते हैं क्योंकि आगे जाने पर छोटा होता जा रहा है, यानी एन की वैल्यू हम इतना बड़ा चूज करें कि वो जो इंटरवेल आए उसके अंदर आ जाए, तो इसीलिए बोल रहे हैं वी चोज एन सो लार्ज, इसलिए हम एन को इतना बड़ा चूज कर सकते हैं कि ये जो क्लोज्ड इंटरवेल एन बी एन है इस ओपन इंटरवेल के अंदर आएगा। तो एन बी एन इस ओपन इंटरवेल के अंदर आएगा मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम इसके दो एलिमेंट लें इस इंटरवेल के, वो इस इंटरवेल में भी होगा, जो इस इंटरवेल में होगा एन बी एन में कोई भी दो पॉइंट लें, मतलब ये इस ओपन इंटरवेल के अंदर भी होगा, और जो भी इस ओपन इंटरवेल के अंदर पॉइंट होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हुआ? एक बार फिर रिपीट करता हूँ, क्योंकि एन बी एन इसके अंदर आ रहा है, यानी एन बी एन के कोई भी दो पॉइंट ले लें, मान लीजिए एक्स वन एक्स टू लेते हैं, तो वो इस ओपन इंटरवेल के अंदर भी आया, और इस ओपन इंटरवेल के अंदर जो भी आता है वो इस इक्वेशन वन को सेटिस्फाई करता है, मतलब एक्स वन एक्स टू भी इस इंटरवेल को सेटिस्फाई करेगा। तो हम एक्स वन एक्स टू इस क्लोज्ड इंटरवेल एन बी एन का एलिमेंट लिए तो इस इंटरवेल में किया, और इस इंटरवेल में हो रहा है यानी वन से यहाँ पर एक्स वन एक बार रखेंगे और एक बार एक्स टू, दोनों ही सेटिस्फाई करेगा, तो ये इक्वेशन नंबर थ्री मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू लेते हैं, इसमें एफ अल्फा माइनस एफ अल्फा प्लस कर दिए, ट्राइंगल इनइक्वलिटी अप्लाई कर दें, तो मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ एफ अल्फा माइनस एफ एक्स टू, इसको मॉड की प्रॉपर्टी है, इसको आगे पीछे बने एफ एक्स टू माइनस एफ अल्फा लिख सकते हैं, मॉड की प्रॉपर्टी से मॉड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन चेंज करने पे। अब ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है और ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है,
दोनों का सम करेंगे तो एप्सिलॉन, तो लेस देन एप्सिलॉन हो गया, तो मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इस इंटरवेल के दो पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि हम शुरू में ही क्या बोल रहे हैं, ये सीक्वेंस कैसा है, ये इंटरवेल कैसा सीक्वेंस प्राप्त हो, जहां थ्योरम फॉल्स है, यहां पे थ्योरम फॉल्स है, ऐसा सीक्वेंस है इंटरवेल का। लेकिन उसी सीक्वेंस का हम एक एलिमेंट लिए एन बी एन, और इस इंटरवेल में ये थ्योरम ट्रू प्रूफ हो गया। देखिए, इस इंटरवेल के दो पॉइंट लिए, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, स्टेटमेंट को। ये देखिए, एक ही इंटरवेल के दो पॉइंट हुआ एक्स वन एक्स टू, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। हम बोले थे कि ऐसा हम इंटरवेल का सिस्टम लिए थे कि उसके कोई भी दो पॉइंट ले वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर दे रहा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि अपना एजम्पशन रॉन्ग था। अपना एजम्पशन क्या ले लिए थे कि ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है, तो ये एजम्पशन हमारा रॉन्ग होता है। और ये एजम्पशन रॉन्ग होता है मतलब एफ एक्स अगर क्लोज्ड इंटरवेल ए बी में कंटिन्यूस है, तो उस इंटरवेल को फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवेल्स में डिवाइड किया जा सकता है, इस प्रकार कि हर सब कोई भी सब इंटरवेल ले लें, उसके कोई भी दो पॉइंट ले लें, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है। इस प्रूफ के साथ ही ये वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और मुझे विश्वास है कि ये नोट्स आप लोगों का बन जाएगा, इसका रिवीजन कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने के पहले इसमें परफेक्ट हो जाइए। तो चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।